नमस्कार, मैं आंचल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको सर में बहुत दर्द रहता है या फिर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है या आपके सर में बहुत हमेशा पेन रहता है, बहुत सारी टैबलेट्स खाते हैं और तब भी सर में दर्द ठीक नहीं होता, तो आपको क्या करना चाहिए। मैं बहुत ही एक आसान तरीका बता रही हूँ जो कि इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा। इंस्टेंट बता रही हूँ, मेरे पे तो बहुत काम करती है ये चीज़, आप पे भी करेगी अगर आपने सही तरीके से। आज मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने जा रही हूँ, अगर आपने सही तरीके से दबा दिया तो आपको ज़रूर 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 फ़र्क दिखेगा और इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि मेरी आप और वीडियोज़ देख सकें और आप और बहुत कुछ जान सकें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। तो साथ में बेल बटन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा हाथ है, हमारे हाथ में पूरी बॉडी के पॉइंट्स हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो हाथ के मात्र उस पॉइंट को दबाने से, आपको पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट को दबाने से आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके सर में बहुत दर्द रहता है या फिर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए। आप ये रेगुलर कीजिए, आप ठीक भी हैं तब भी कीजिए, और जब आपको पेन फील हो रहा है आप तब इसे करेंगे तो इंस्टेंट आराम देखेंगे। हमारे हाथों में जो सर का, दिमाग का जो पॉइंट होता है वो हमारे थंब में होता है। ये जो हमारा थंब है, ये जो एरिया है ये दिमाग का एरिया है। जब हमारा सर में दर्द होता है, जब हम इसे प्रेस करते हैं तो हमें बहुत आराम मिलता है। इस तरीके से आप इसे प्रेस कर सकते हैं अपने थंब को, ये एरिया इस तरीके से और इस तरीके से। आप किसी को बोल भी सकते हैं, अपने पार्टनर को भी बोल सकते हैं, घर में किसी को भी बोल सकते हैं, जब आपके सर में दर्द हो इसे, इस पॉइंट को ज़ोर से दबाएं, अपने अंगूठे से दबा लीजिए। वैसे इसके एक्यूप्रेशर करने के बहुत सारे उपकरण आते हैं, उसे छोड़िए, आप अभी अंगूठे से कर लीजिए इसे। इससे बहुत जल्द आराम मिलता है, मुझे बहुत जल्दी आराम मिलता है। इस तरीके से साइड्स और अंगूठा अच्छे से ज़ोर से, थोड़ा प्रेशर देके, जितना प्रेशर आप झेल पाएँ। और मैं आपको बताऊँ, अगर आपको यहाँ दिक्कत हुई तो आपको थोड़ा पेन भी होगा दबाने में। इस तरीके से इसे थोड़ा सा इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से दोनों थंब पे कीजिए, दोनों पे करें, अच्छे से दबाएँ इस तरीके से। और इसके साथ साथ आप नीचे इन पॉइंट्स को भी दबाएँ कि अगर गैस, कई बार गैस की दिक्कत हो जाती है, उससे पेन होता है, तो गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गए सर के पॉइंट्स, इसके साथ साथ आप पूरे हाथ के पॉइंट भी दबवा सकते हैं, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। ये तो हाथ के पॉइंट है ना, सेम पैर के अंगूठे को भी दबाएं आप, जो पैर की उंगलियाँ हैं, अंगूठा है उसे दबाएँ, बहुत आराम मिलेगा। इस तरीके से पैर के अंगूठे को भी दबाएँ, बहुत जल्द आपको आधे या फिर एक मिनट दबाने से ही आराम आ जाएगा। और अगर माइग्रेन की दिक्कत है तो जब भी फ्री बैठे हों इन पॉइंट्स को ज़रूर दबाएं, आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर माइग्रेन की दिक्कत है तो चुपचाप अपने कमरे में चले जाइए, उस वक्त जब दर्द शुरू हुआ है लाइट्स ऑफ कर दीजिए, चुपचाप अपने कमरे में चले जाइए। और खट्टी इमली जो होती है, खट्टी इमली खाने से, उस वक्त अगर आप दर्द के वक्त खट्टी इमली खाएंगे 10 मिनट के अंदर आपका दर्द ठीक हो जाएगा। ये खुद का अपनाया हुआ मेरा तरीका है, आप करके देखें एक बार। जब भी आपको दर्द फील हो इमली अपने फ्रिज में रख दीजिए लाकर, जब भी दर्द फील हो उसी वक्त इमली निकालिए, थोड़ी सी अपने रूम में चले जाइए, लेट जाइए, क्योंकि 15-20 मिनट आपको एक रेस्ट चाहिए। कोई शोर नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई पास में नहीं होना चाहिए, आप लेटे अकेले रूम में और उस इमली को चूसिए, उस इमली को खाइए, आप देखेंगे विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर आपको आराम आएगा ही आएगा। साथ में ये पॉइंट्स प्रेस कीजिए, बहुत जल्द आपको आराम मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मैं फिर मिलूंगी।